हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि नीट या फिर किसी न किसी मेडिकल एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं एनटीए जो है एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछता है, और एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं या फिर ना के बराबर होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑल चैप्टर्स के एमसीक्यू इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं। उनकी पीडीएफ भी हम आपको देने वाले हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन द जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस इज, जो कि एनसीईआरटी सीपीएमटी 1994, एमपीपीएमटी 95, 98, 2000, सीबीएसई पीएमटी 97, पीबीपीएमटी 2000, बीएचयू 2005, इस तरह के क्वेश्चन जो है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उस तरह की पूरी पीडीएफ कंप्लीट बायोलॉजी के ऑल चैप्टर्स जो है उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इसके लिए आपको जो है 65 रुपये पे करने होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इतनी हमारी भी मेहनत लगी है और 65 रुपये कोई ज़्यादा भी नहीं है। आप जो भी चैप्टर की थ्योरी पढ़े बायोलॉजी के अंदर, उसके बाद उस चैप्टर के एमसीक्यूज कर ले दोस्तों, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन से उठाए गए हैं, और साथ साथ जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे ये होने वाले हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक्रोसोम ऑप्सपर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम एमपीपीएमटी, सीपीपीएमटी, एमएसटी, सीईटी, एएमयू, उड़ीसा जेईई 2012 के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। थैंक यू।